नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। मेरे दोस्त मिस्टर जगोता ने मुझसे इस लॉकडाउन के बारे में मेरे व्यूज पूछे, तो सोचा मैंने क्यों ना एक छोटा सा वीडियो बना के भेज दूं। जब भी मैं इस लॉकडाउन के बारे में सोचता हूं, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आती है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू लॉकडाउन इंडिया, इट इज़ इम्पॉसिबल। क्योंकि सुबह उठते ही इंडिया को अनलॉक होना ज़रूरी है, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अभी भी नेचर्स कॉल अटेंड करने के लिए खुले में या फिर पब्लिक टॉयलेट की क्यू में खड़ा होना पड़ता है। तो ये बहुत ही बड़ी एक समस्या है। कमिंग टू माई सेल्फ ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड, मैं पहला फोकस मेरा हेल्थ के ऊपर रहा है, फिटनेस के ऊपर रहा है। मैं अभी तक डेली करीब 5000 स्टेप्स करता था ट्रेडमिल पे और करीब 30 मिनट का योगा करता था। मैंने पिछले कुछ दिनों में इसे 10,000 स्टेप्स कर दिया है और योगा भी करीब मैं 1 घंटे के लिए करीब करता हूँ। एंड सर्टनली आई फील मच बेटर, फिटर एंड हैप्पियर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और एक सबसे बड़ा चेंज मैंने जो किया है, मैं अब ट्रेडमिल नहीं बल्कि अपने ही गार्डन में बेयरफुट चलता हूं, और सर्टनली आई एम फीलिंग द बेनिफिट्स ऑफ द सेम। सेकेंड फोकस फॉर मी ड्यूरिंग दिस पीरियड इज कि बहुत से ऐसे साथी हैं जो अभी भी अपने गांव रश करना चाहते हैं, बहुत परेशान हैं। तो मेरा एक फोकस रहता है कि उनको सपोर्ट करूं, उनको कॉन्फिडेंस करूं, और बहुत तक हद तक मैं इसमें सफल भी रहा हूं कि इन लोगों को मैं कुछ कन्विंस कर पाया जो मेरे एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में हैं, जो मेरे नज़दीक हैं, कि वो अभी इस समय अपने ही शहर में, दिल्ली में या मुंबई में रहें और अपने गाँव की तरफ रश करने का तरीका निकाले ना। कोई भी परेशान ना हो और कोई भी मदद होती है तो मैं ज़रूर उनके लिए हाजिर होता हूँ, और एक वो कॉन्फिडेंस के तहत वो इस इज्जत रख रहे हैं और यहीं पर ही मेंटेन करे हुए हैं। तीसरा सपोर्ट एक हम जो बहुत कुछ कर पा रहे हैं, बहुत से लोग कॉल कर रहे हैं, उनकी समस्याएं हैं, ज़्यादातर जॉइंट से रिलेटेड हैं, डायबिटीज से रिलेटेड हैं या स्ट्रेस रिलेटेड, एंड अबव ऑल रात में नींद नहीं आना। फॉर्चुनेट है हम कि उन लोगों को हम हमारे प्रोडक्ट, हमारे हेल्थ सप्लीमेंट्स होम डिलीवर कर पा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने अलाउ किया है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम हजारों लोगों को ड्यूरिंग दिस लॉकआउट पीरियड सपोर्ट कर पा रहे हैं और उनकी तकलीफें काफ़ी हद तक दूर भी कर पा रहे हैं। एक ऑब्जर्वेशन मेरा और रहा है ड्यूरिंग दिस पीरियड इज कि लोग अब नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, ऑल्टरनेट एवेन्यूज ढूंढ रहे हैं, ऑल्टरनेट ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। कि मेरे पास काफ़ी बिजनेस वाले कांटेक्ट कर रहे हैं, काफ़ी स्टोर्स कांटेक्ट कर रहे हैं, काफ़ी लोग जो जॉब में हैं कॉन्टेक्ट कर रहे हैं कि क्या वो ऑर्गेनिक वेलनेस के साथ एसोसिएट हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ये देख लिया है कि आने वाले समय में वेलनेस प्रोडक्ट्स का जरूर एक लोगों का फोकस शिफ्ट हो रहा है और ज़्यादा लोग इस पर ध्यान देंगे। तो कमाने के साथ साथ लोगों के एक अल्टरनेट वे ऑफ लिविंग भी मिल रहा है, ऐसा मुझे लगता है। और फाइनली जहाँ तक स्किल का सवाल है, मैंने इस पीरियड के दौरान मैंने इक्विटी इन्वेस्टिंग, इक्विटी पे काफ़ी कुछ सीखा है, समझा है। और यदि मेरे कोई दोस्त चाहते हैं मैंने क्या समझा सीखा, जरूर मैं शेयर कर सकता हूं। और जरूर मैंने इसको थोड़ा बहुत अपने ही पर्सनल इन्वेस्टमेंट में भी इस्तेमाल किया है, और अभी तक ये बोल सकता हूं कि काफ़ी पॉजिटिव रिटर्न्स रहे हैं। एंड फाइनली हमने एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही नया प्रोडक्ट इनोवेट किया है, आने वाले समय में इसको हम लॉन्च करेंगे जैसे ही हमारा देश और हमारा संसार अगेन रीओपन्स। थैंक यू सो मच। Once again, wish you all the best.